अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक टेंट बनाना सिखाऊंगी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें टेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है एंड ये रोज वाटर है, कोकोनट ऑयल लिया है, बहुत थोड़ा सा चाहिए होगा, 4 to 5 ड्रॉप्स, एंड एलोवेरा जेल लिया है मैंने, और फूड कलर है, रेड फूड कलर है, एंड एक एम्प्टी ड्रॉपर वाली बॉटल ली है, या फिर आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं जिसमें आप इसको स्टोर करना चाहें। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस बोल में 1 टेबल स्पून के करीब एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ, एंड देन हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको इतने अच्छे से मिक्स करना है उसे कि वो थोड़ा सा क्रीमी टाइप हो जाए, जेल फॉर्म से थोड़ा सा क्रीमी टेक्स्चर में आ जाए। एंड आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का, जो ग्रीन कलर में आता है वो भी। यहाँ पे मैंने पतंजलि का चंदन वाला यूज़ किया है, बट आप ग्रीन वाला भी ले सकते हैं। मिक्स करने के बाद ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड अब हम इसे मिक्स करेंगे, एंड मिक्स करने के बाद हम इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर रहे हैं। आपके पास जो भी ऑयल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फेशियल ऑयल या कोई सीरम, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल। मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ किया है, एंड इसकी मैंने 4 to 5 ड्रॉप्स ली हैं, ज़्यादा नहीं डालना है आपने, बहुत ही लेस क्वांटिटी में ही यूज़ करना है, वरना बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाएगा ये फेस पे। मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है, एंड यहाँ पे मेरे पास पाउडर फॉर्म में फूड कलर था, तो मैंने इसे पानी से मिक्स करके इसमें डाला है। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो तो आप वो यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। एंड अब मैं यहाँ पे इसमें फूड कलर ऐड करूँगी। एंड आपको मिक्स अच्छे से करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और मैंने फूड कलर यहाँ पर रेड कलर का यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन मैं यहाँ पे इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत लाइट लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें दोबारा से थोड़ा सा और फूड कलर ऐड किया है इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए। एंड हमारा टेंट यहाँ पर रेडी हो चुका है, और अब मैं इसे इस बॉटल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, एंड देन मैं इसे आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी कि कैसा लगता है ये अप्लाई करने पे। एंड जब भी आप इसे यूज़ करें पहले एक बार शेक कर लें, फिर इसे अप्लाई करें, और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। आप इसे अपने लिप्स पे और चीक्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक देगा आपको। So yeah, that was it for today's video. Please do like, share and subscribe to my channel.